सलामेकम स्टूडेंट्स आज हम लेक्चर नंबर थ्री वीक फोर चैप्टर नंबर टू जो सेट्स फंक्शन एंड ग्रूप्स हैं इसकी एक्सरसाइज टू पॉइंट फोर और एक्सरसाइज टू पॉइंट फाइव के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके स्मार्ट सलेबस का हिस्सा है और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको कुछ फार्मूलेस लिखवाए थे जिसमें नगेशन का एक टेबल लिखवाया था ट्रुथ टेबल एंड का और का कंडीशनर एंड बाई कंडीशनर्स का उन जो आपके पास चार टेबल्स हैं उन टेबल्स को आपने अच्छी तरीके से याद करना है बार बार प्रै लिख के प्रैक्टिस करनी है अगर वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे आपके पास तो आपको ये एक्सरसाइज़ 2.4 और 2.5 जो है वो मुश्किल नहीं लगेगी इसमें भी आपने बेसिकली ट्रुथ टेबल्स ही बनाने हैं उन ट्रुथ टेबल्स को देख के आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज़ टू एक्सरसाइज टू है इसका क्वेश्चन नंबर टू है आपके पास वो कहता है कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ये जो आपके पास स्टेटमेंट्स दी गई है ये जो आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड पार्ट है और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर टू का जो सेकेंड पार्ट है ये बिल्कुल इसी पार्ट की तरह करना है आपने और ये आपका होम प्रैक्टिस क्वेश्चन है अब आपके पास ये एक स्टेटमेंट्स दी गई है जिसमें लिखा हुआ है पी एम्प्लाइज क्यू की होल नगेशन बाई कंडीशनल ये बाई कंडीशनल है जिसको इफ़ एंड ओनली इफ का साइन बोलते हैं आगे लिखा हुआ है पी एंड नगेशन ऑफ क्यू इनको आपने सारों को जो है एक ही ट्रुथ टेबल में आपने इनको आपस में कनेक्ट करना है वो किस तरह से करेंगे आपने क्या करना है सबसे पहले पी स्टेटमेंट लेनी है और आपको जैसे कि मैंने उस दिन बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि कोई भी अगर दो स्टेटमेंट्स हैं तो उनकी आपस में चार पॉसिबिलिटीज़ होंगी तो पी स्टेटमेंट की क्या होंगी पहली दफा दो वो दोनों ट्रू होंगी सेकंड टाइम दोनों फॉल्स होंगी क्यू की इसी तरह से पहली ट्रू दूसरी फॉल्स तीसरी ट्रू चौथी फॉल्स इसी तरह से ही अगर आप पी और क्यू दो स्टेटमेंट है तो इस तरह से ही आपने इनकी वैल्यूज़ को लेना है उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज़ है ब्रैकेट के अंदर ये लिखा हुआ पी इम्प्लाइज़ क्यू अब पी इम्प्लाइज़ क्यू जब आपके पास होगा तो आपने सबसे पहले पी इम्प्लाइज़ क्यू का ट्रुथ टेबल बनाना है और वो किस तरह से बनाएंगे वो ट्रूथ टेबल बनाना है तो आपको पता है कि जब दोनों ट्रू हो तो पी इम्प्लाइज़ क्यू ट्रू होता है ये पी इम्पलाइज़ क्यू कब फॉल्स होता है जब पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो तो ये फॉल्स होता है अदरवाइज़ ये तीनों टाइम ये क्या होता है ट्रू होता है आपके पास है। देन आपने क्या करना है कि इस पी इम्प्लाइज क्यू का जो है वो नगेशन ले लेनी क्योंकि इसमें लिखा हुआ है नगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इनकी निगेशन लेंगे तो आपको पता है जब किसी भी स्टेटमेंट की निगेशन लेते हैं तो अगर उसकी ट्रू वैल्यू है तो नगेशन लेने के बाद वो फॉल्स हो जाएगी आपके पास ये ट्रू है तो इसकी निगेशन फॉल्स होगी ये फॉल्स है तो इसकी निगेशन ट्रू होगी ये ट्रू है इसकी निगेशन फॉल्स होगी और ये भी ट्रू है तो इसकी निगेशन फॉल्स होगी आपके पास है. अब आपने क्या किया कि आपने ये वाले जो लाइन पूरी एक स्टेटमेंट लिखी हुई है इसका आपने ट्रुथ टेबल बना लिया है यहाँ तक अब नेक्स्ट है आपके पास निगेशन ऑफ क्यू सबसे पहले आपने नगेशन ऑफ क्यू फाइंड करना है तो ये क्यू है जब इस क्यू की नगेशन लेंगे तो जो इसकी क्यू की ट्रू वैल्यू निगेशन लेने के बाद वो फॉल्स हो जाएंगी और जो फॉल्स वैल्यू है वो क्यू की निगेशन लेने के बाद ट्रू हो जाएंगी तो ये आपने ली ये देखें कि यहाँ पे पहली ट्रू है नगेशन के बाद फॉल्स हो गई है ये फॉल्स है तो नगेशन के बाद ये ट्रू हो गई है नेक्स्ट आपने देखना है कि ये लिखा हुआ है पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू अब आपने क्या करना है इस टेबल को ये जो पी का कॉलम है इसको आपने नेगेशन ऑफ क्यू वाले कॉलम के साथ मैप करना है किस के साथ एंड के साथ और एंड कब फॉल्स होता है एंड तब ट्रू होता है जब दोनों वैल्यू ट्रू हों अदरवाइज़ ये फॉल्स होता है ये ट्रू है ये फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा ये ट्रू है और कमिकेशन ऑफ क्योंकि ये वैल्यू ट्रू है तो जब दोनों ट्रू हो तो एंड में ट्रू आएगा आपके पास है। ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा इसी तरह से ये भी फॉल्स है ये ट्रू है तो ये भी फॉल्स आएगा अब आपके पास ये ब्रैकेट वाली भी टर्म्स का ट्रुथ टेबल आ गया फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इस कॉलम को ये जो कॉलम है और ये जो कॉलम है इन दोनों कॉलम को आपने मैप करना है इस कंडीशन के साथ ये जो इफ़ एंड ओनली इफ वाली है ये कब ट्रू होती है जब दोनों वैल्यू ट्रू हों या दोनों फॉल्स हों तो इनकी वैल्यू का जवाब ट्रू आता है अगर दोनों में से एक ट्रू और एक फॉल्स हो तो इन दोनों को मिलाने के बाद फॉल्स वैल्यू बनती है ये देखें ये फॉल्स है ये फॉल्स है तो ये ट्रू आएगा ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है तो ये ट्रू आएगा ये फॉल्स है ये भी फॉल्स है तो ये दोनों मिलाएंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ बाय कंडीशनल के साथ तो ये ट्रू आएगा ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है तो ये भी ट्रू आएगा तो ये आखिरी जो कॉलम है ये आपका इस क्वेश्चंस के इस स्टेटमेंट का आंसर है और ये आंसर तभी आप लोगों का करेक्ट आएगा जब ये सारे के सारे ट्रुथ टेबल जो है कॉलम जो है आप सही तरह से इनको निकालेंगे अगर इनमें से कोई एक भी गलती हुई तो आपका ये फाइनल आंसर है ये कभी भी ट्रू सही नहीं आएगा तो इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से वो जो चार टेबल्स लिखवाए हैं उनको आपने अच्छी तरीके से पहले प्रैक्टिस करना है देन आपने इनको देखना है ये मैंने नीचे एक एरोज भी खींचे हुए हैं कि किस किसके साथ मैप करना है आपने नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि शो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अ टेटोलॉजी टेटोलॉजी आपको उस दिन भी डी स्टूडेंट्स बताया था कि ऐसी स्टेटमेंट को कहते हैं जो कि हमेशा ट्रू हो अब ये क्वेश्चन नंबर थ्री है इसके जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ये आपका होम प्रैक्टिस क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट हम करेंगे इसका आपने क्या करना है कि इसका आखिरी जो टेबल बनेगा फाइनल स्टेटमेंट का जो फाइनल टेबल बनेगा उसके तमाम की तमाम जो पॉसिबिलिटीज़ है वो ट्रू होनी चाहिए अगर सारे के सारे ट्रू हैं तो ये टेटोलॉजी होगी अदरवाइज़ ये क्या होगा टटोलॉजी नहीं होगी तो इस क्वेश्चन में आपने यही शो करना है कि ये एक टटोलॉजी स्टेटमेंट है आइए देखते हैं सबसे पहले आपके पास पी और क्यू दो स्टेटमेंट्स हैं ये वाली इसकी आपको पता है पहले दो वैल्यू ट्रू हैं दोनों आखिरी दो वैल्यू फॉल्स हैं क्यू की वैल्यू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स सबसे पहले आपने देखना है कि यहाँ पे नगेशन ऑफ क्यू लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप नगेशन ऑफ़ क्यू वाला टेबल फाइंड करें तो आपको पता है इस क्यू के आपने नगेशन ले ली है नगेशन लेने के बाद जो क्यू की वैल्यू ट्रू है वो फॉल्स हो जाएंगी जो फॉल्स हैं वो ट्रू हो जाएंगी आपके पास उसके बाद है पी इम्प्लाइज़ क्यू का कॉलम अब आपने P इंप्लाइज Q को मैप करना है तो आपको पता है कि P इम्प्लाइज Q तभी फॉल्स होता है जब पहली ट्रू और दूसरी फॉल्स हो अदरवाइज़ ये ट्रू होता है आपके पास है। तो ये देखें ये भी ट्रू है ये ट्रू है ये फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा ये फॉल्स है ये ट्रू है तो ये ट्रू आएगा ये दोनों फॉल्स हैं तो ये भी ट्रू आएगा आपके पास है ये टेबल में लिखा हुआ है नेक्स्ट है वो कहता है नेगेशन ऑफ़ पी अब आपने क्या करना है नेगेशन ऑफ़ पी फाइंड करना है सबसे पहले आपने क्या करना है नेगेशन ऑफ़ क्यू एंड पी एम्प्लाइज क्यू को आपस में जो एक इस कनेक्टर के साथ आपने इनको पहले कनेक्ट कर लेना है तो ये नेगेशन ऑफ क्यू का टेबल है और ये पीम प्लाइज क्यू का टेबल है तो आप देखें तो आपके पास एंड का साइन बीच में है तो एंड तभी ट्रू होगा जब दोनों वैल्यू ट्रू हो अदरवाइज़ ये फॉल्स होगा आपके पास ये फॉल्स है ये ट्रू तो ये फॉल्स है ये ट्रू है ये फॉल्स है फॉल्स आएगा ये दोनों ट्रू हैं तो इसलिए ये ट्रू है अदरवाइज़ ये फॉल्स होता है अब नेक्स्ट क्या है? आपने नगेशन ऑफ़ पी का टेबल फाइंड करना है नगेशन ऑफ़ पी का टेबल फाइंड करेंगे आप तो नगेशन ऑफ पी में आपको पता है कि ये पी की निगेशन ले लेंगे जब इसकी पी दोनों की लेंगे ये दोनों फॉल्स हो जाएंगे और ये दोनों फॉल्स है तो ये दोनों नगेशन लेने के बाद ट्रू हो जाएंगे आपके पास अब आपने क्या करना है ये जो कॉलम है नगेशन ऑफ़ क्यू एंड पी इम्प्लाइज क्यू वाला टेबल है इसको आपने इम्प्लाइज के साथ नगेशन ऑफ पी वाले टेबल के साथ कनेक्ट कर देना है जब कनेक्ट करेंगे तो ये आएगा नगेशन ऑफ़ क्यू एंड नगेशन पी इम्प्लाइज़ क्यू को आपने कनेक्ट करना है नगेशन ऑफ़ पी के साथ किस ऑपरेटर के साथ इस इम्प्लाइज़ वाले कंडीशनल ऑपरेटर के साथ और ये कंडीशनल ऑपरेटर तभी फॉल्स होता है जब पहली वैल्यू जो है वो ट्रू हो और सेकंड वाली फॉल्स हो अदरवाइज़ ये ट्रू ही होता है ये दोनों फॉल्स हैं तो ये ट्रू आएगा ये दोनों फॉल्स हैं ट्रू आएगा ये पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो ये ट्रू होगा ये दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू होगा तो आप ये देख सकते हैं कि ये सा इसका लास्ट ये जो स्टेटमेंट है इसका जो लास्ट कॉलम है वो सभी की सभी वैल्यू ट्रू आ रही हैं तो सो so, इससे हम पता चल गया कि आल वैल्यूज़ का ट्रू सो इस कार्ड टेटोलॉजी अगर सारी की सारी वैल्यू ट्रू हो तो ये क्या स्टेटमेंट कहलाती है टेटोलॉजी कहलाती है आपके पास अब ये देख सकते हैं आप लोग कि ये सभी की सभी वैल्यू आपके पास ट्रू आ रही है आखिरी कॉलम की तो ये एक स्टेटमेंट जो है ये जो स्टेटमेंट है ये साबित होता है कि ये आपके पास क्या है एक टेटोलॉजी है जिसकी तमाम पॉसिबिलिटीज़ ट्रू है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास टू पॉइंट फोर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फोर का सेकेंड पार्ट इसमें लिखा हुआ है पी एम्प्लाइज क्यू एम्प्लाइज़ पी सबसे पहले आपको पता है जैसे छोटी क्लासेज में आपने पढ़ा हुआ है कि ब्रैकेट वाली चीज़ को आप सॉल्व करते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फोर का जो थर्ड पार्ट है ये इसी पार्ट की तरह है और ये आपने होम प्रैक्टिस क्वेश्चन है अब ये देखें तो ये सबसे पहले आपने पी की स्टेटमेंट्स लिखी और ये क्यू की स्टेटमेंट्स लिखी सबसे पहले आपने ये वाली ब्रैकेट वाली वैल्यू का जो टेबल बनाया क्यू एम्प्लाईज पी का तो आपने इसको इस तरह से देखना है इस तरह से उल्टा देखना है क्यू को पहले देखना और पी को टेबल वाले को बाद में देखना है ये नीचे मैंने एरो भी लगाया हुआ है आपके साथ आसानी के लिए ये ट्रू है तो ये ट्रू है तो इनका इम्प्लाइज़ भी ट्रू होगा ये फॉल्स है ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा ये ट्रू है ये फॉल्स है तो ये फॉल्स तो होगा क्योंकि इम्प्लाइज़ की स्टेटमेंट के अंदर अगर पहली वैल्यू ट्रू और दूसरी फॉल्स हो तो देन ये फॉल्स होता है अदरवाइज़ ये तीनों पॉसिबिलिटीज ट्रू होती हैं अब आपने क्या करना है कि इस टेबल्स को ये जो Q क्यू इम्प्लाइज Q क्यू इम्प्लाइज पी वाला टेबल है P को आपने इस टेबल के साथ कनेक्ट करना है P इम्प्लाइज़ Q के साथ है। ये ट्रू है तो ये ट्रू है ये ट्रू होगा ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है तो ये ट्रू होगा ये फॉल्स है ये फॉल्स है तो ट्रू होगा ये फॉल्स है ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा तो इससे आप देख सकते हैं कि तीनों स्टेटमेंट्स सारी की सारी वैल्यू ट्रू आ रही हैं तो ये भी एक टेटोलॉजी स्टेटमेंट है यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है दिस स्टेटमेंट इज टेटोलॉजी बिकॉज ऑल वैल्यू ऑफ लास्ट कॉलम इज़ ट्रू जिसकी भी लास्ट वैल्यू सभी की सभी ट्रू हो, तो वो टेटोलॉजी स्टेटमेंट कहलाती हैं और ऐसी स्टेटमेंट जिसकी लास्ट कॉलम की सारी की सारी वैल्यू फॉल्स हो उसको हम बोलते हैं कंट्रोडिक्शन या एप्सरोडरी ये वैल्यू होती है और नेक्स्ट आपके पास है जिसकी मिक्स वैल्यू कुछ हो कुछ ट्रू हों कुछ फॉल्स हों उसको हम बोलते हैं कंटीजेंसी ये तीन डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई ये टेटोलॉजी की डेफिनेशन है ये आपके पास कंट्राडिक्शन की वैल्यू डेफिनेशन और ये आपकी कंटीजेंसी की डेफिनेशन लिखी हुई है जिसमें मिक्सड वैल्यूज़ हों आपके पास आप देखें तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके पास टू पॉइंट फाइव एक्सरसाइज इसका एक ही हो क्वेश्चन है आपके पास एक ही आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है क्वेश्चन नंबर फोर उसमें क्या लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ फॉलोइंग थ्योरम्स टू लॉजिकल फॉर्म एंड प्रूव द प्रूफ दैम बाय कंस्ट्रक्टिंग ट्रुथ टेबल्स आपके पास ये लिखा हुआ है ए यूनियन ब्रैकेट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए यूनियन बी ब्रैकेट्स क्लोज्ड इंटरसेक्शन ए यूनियन सी बेसिकली वो कह रहा है कि ये जो यूनियन और इंटरसेक्शन का साइन है इसको आपने सबसे पहले लॉजिकल जो फॉर्म है उसके अंदर कन्वर्ट करना है देन आपने इसको ट्रुथ टेबल बनाना है तो ये एंड जो है आपके पास ये जो इंटरसेक्शन का साइन है ये बेसिकली यहाँ पे एंड के साइन को शो कर रहा है और ये जो यू है आपके पास जो यू है ये और के साइन को रिप्लेस यहाँ पे करता है और जो कंप्लीमेंट का साइन होता है वो नगेशन के साइन को रिप्रेजेंट करता है ये यह यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है आपके पास कि जो कंप्लीमेंट का साइन होता है ये निगेशन होती है जो यूनियन होती है ये और का साइन होता है और जो इंटरसेक्शन होती है ये एंड का साइन होता है आपके पास है। तो आप ये देखें आपके पास यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स हैं पी की जगह पे अब ए आ गया है क्यू की जगह पे बी आ गया है और सी की जगह पे आपके पास जी आएगा यानी कि आप जी देख सकते हैं उसमें एग्ज़ाम्पल टू एक्सरसाइज की कुछ एग्जाम्पल इसमें तीन तीन स्टेटमेंट्स हैं पी क्यू एंड जी तो इसमें पी की जगह पे ए है बी की जगह क्यू की जगह पे बी है और Z की जगह पे सी है जब तीन स्टेटमेंट्स होंगे तो उनकी एट्थ पॉसिबिलिटीज़ होंगी चाहे ए की पहली चार पॉसिबिलिटी ट्रू होंगी और बाकी ला चार फॉल्स होंगी बी की पहली दो ट्रू होंगी ला सेकेंड वाली दो फॉल्स होंगी इसी तरह से आगे वाली दो जो है ट्रू इसी तरह से लास्ट वाली दो फॉल्स सी जो होगा वो पहले ट्रू सेकेंड फॉल्स थर्ड ट्रू फोर्थ फोर्थ सो ऑन चलती जाएगी आपके पास तो आपने सबसे पहले इस लेफ्ट हैंड साइड की ये जो ब्रैकेट वाली साइड है इसको आपने सबसे पहले सॉल्व करना है ब्रैकेट वाली साइड कौन सी है बी इंटरसेक्शन सी आपके पास है। अब ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है बी एंड सी तो आपने बी और सी को पहले मिलाना है और आपको पता है बीच में क्या साइन है एंड का और एंड कब आपके पास ट्रू होता है जब दोनों वैल्यू ट्रू हो अदरवाइज ये फॉल्स होता है तो ये देखेंगे दोनों वैल्यू ट्रू है तो इसके आंसर ट्रू आ रहा है ये दोनों वैल्यू ट्रू है तो इनका आंसर ट्रू आ रहा है बाकी सारों का फॉल्स आ रहा है अब आपने क्या करना है इस ए बी इंटरसेक्शन सी को ए के साथ मिलाना है किस साइन के साथ यूनियन के साथ यानी और के साथ और, और कब फॉल्स होता है जब दोनों वैल्यू फॉल्स हो अदरवाइज ये ट्रू होता है आपके पास तो आपने ए को इस कॉलम के साथ मिलाना है तो ये दोनों ट्रू है तो ट्रू है ये भी ट्रू है ये भी फॉल्स है तो ये भी ट्रू है दब दोनों फॉल्स होंगे तो ये लास्ट वाली ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है तो ये फॉल्स आ रही है आपके तो पास अब आपने क्या करना है कि ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है ये वाला जो कॉलम है ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है इसी तरह से आपने राइट हैंड साइड को मिलाना है पहले ए को बी के साथ एंड कंजक्शन के साथ मिलाना है डिस्जंक्शन के साथ मिलाना है फिर ए और सी को डिसजंक्शन के साथ मिलाना है इन दोनों का आंसर निकालने के बाद आपने कंजक्शन के साथ यूनियन बी को इंटरसेक्शन यूनियन सी करना है तो वो करने के बाद आपके पास ये वैल्यूज़ आएंगे तो आपने ये देखना है कि ये वाला कॉलम राइट हैंड साइड का और लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर दोनों की वैल्यू हर जैसे ये ट्रू है ये भी ट्रू है ये ट्रू है ये भी ट्रू है तो सभी वैल्यू मैच कर रही हैं अगर मैच कर रही हैं तो इससे आपका साबित होता है कि आपके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के तो इसी तरह से अगर किसी क्वेश्चंस के अंदर आपको प्रॉब्लम है किसी डेफिनेशन के अंदर तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे तो ये इसके साथ ही आपका जो लेक्चर जो है ये एंड होता है आपके पास थैंक यू अल्लाह हाफिज़